जी हाँ नमस्कार दोस्तों, तो मैं प्रशांत मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ परीक्षा पास के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लेके आए हैं पॉलिटेक्निक और IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का प्रैक्टिस पेपर। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स का प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो दोस्तों हर बार परीक्षा में आते हैं और आते ही रहेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आइए तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप वहां से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हों दोस्तों आप हमें सेंड करिए, हम और हमारी पूरी टीम मिलकर के आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आइए तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको देखिए दिख रहा है सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है, वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। क्या है दोस्तों पहला क्वेश्चन? वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए है दोस्तों अपकेंद्रण, ऑप्शन बी है अपोहन, ऑप्शन सी है दोस्तों उत्क्रमण परासरण और ऑप्शन डी है दोस्तों विसरण। तो अगर दोस्तों इसका आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो क्या है दोस्तों? वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका सबसे पहला दोस्तों जो ऑप्शन है वो है दोस्तों अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अपकेंद्रण। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? अपकेंद्रण इसका सही आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि दोस्तों ये है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन? पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। ऑप्शन ए सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। ऑप्शन डी है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल से साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। क्या है दोस्तों क्वेश्चन एक बार हम और पढ़ते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। ऑप्शन ए सूर्य पर चली जाएगी, ऑप्शन बी चंद्रमा पर चली जाएगी, ऑप्शन सी पृथ्वी पर गिरेगी, ऑप्शन डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल से साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल से साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ये है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। आप क्वेश्चन 3 है दोस्तों, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए है इसका, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, ऑप्शन बी है तेल जल की अपेक्षा कम घना है, ऑप्शन सी है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, ऑप्शन डी है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि तेल पानी के तल पर, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। क्या है क्वेश्चन? तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, ऑप्शन बी है तेल जल की अपेक्षा कम घना है, ऑप्शन सी है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, ऑप्शन डी है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। दोस्तों इसका सही आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो आप लोग दोस्तों इसे एक कॉपी पे नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर बार परीक्षा में आते हैं और अगली बार भी दोस्तों आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। क्या है क्वेश्चन? ऊंचाई की जगहों पर पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। ऑप्शन ए है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो,
जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, भी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन सी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका दोस्तों सही आंसर है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, पहले एक बार हम और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव दोस्तों कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डायनमो का अर्थ है, क्या है पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, डायनेमो का अर्थ है पांचवा क्वेश्चन। ऑप्शन ए मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र, ऑप्शन डी निम्न विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र। अगर आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। इसका आंसर है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं, डायनमो का अर्थ है इसका ऑप्शन ए मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, उच्च विभव उत्पन्न करना, निम्न विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही आंसर है। तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। छठवां क्वेश्चन दोस्तों है सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, क्या है छठवां क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। छठवां क्वेश्चन दोस्तों है सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। अगर आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या है, सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, इसका कारण है ऑप्शन बी दोस्तों, इसका सही आंसर है क्या है, प्रकीर्णन के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सातवां क्वेश्चन दोस्तों आपका है, सातवां क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, सातवां क्वेश्चन है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, ए पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन डी कुछ अंतराल में गिरेगी। क्या है सातवां क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, ए पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, ऑप्शन बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी कुछ अंतराल में गिरेगी। दोस्तों इसका सही आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कि अगर हम लोहे और लकड़ी की दो गेंदों को जो समान भार की हैं अगर हम समान ऊंचाई से गिराएं तो दोनों एक साथ गिरेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन दोस्तों है ध्वनि तरंगे, क्या है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, ऑप्शन बी केवल इस माध्यम में चल सकती हैं, सी केवल गैस में चल सकती हैं, ऑप्शन डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। क्या है ऑप्शन ए दोस्तों, एक बार फिर पढ़ते हैं, ध्वनि तरंगे आठवां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे ऑप्शन ए निर्वात में चल सकती हैं, केवल इस माध्यम में चल सकती हैं, सी है केवल गैस में चल सकती हैं, ऑप्शन डी है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं।
तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश की कुंज एक स्थान पर पड़ता है, जब लाल नीला तथा हरे प्रकाश का कुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी सफ़ेद। क्या है दोस्तों, एक बार हम और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक स्थान पर जब लाल नीला तथा हरे प्रकाश की कुंज एक स्थान पर पड़ती है तब प्रकाश की का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी सफ़ेद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जब दोस्तों लाल नीले तथा हरे प्रकाश की पुंज एक स्थान पर पड़ती है तो प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सफ़ेद हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल और लगभग 100 डेसिबल। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए लगभग 5 डेसिबल, ऑप्शन बी लगभग 10 डेसिबल और लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 100 डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 30 डेसिबल। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो के पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल सकें। और दोस्तों आपको ऐसे ही हम वीडियो आगे भी देते रहेंगे। जल्द ही दोस्तों आपको केमिस्ट्री और मैथ के भी प्रैक्टिस पेपर दोस्तों इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो बने रहिए चैनल पर, हम आपका स्वागत करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।